हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए आप को नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी नई वीडियोस पोस्ट होगी। तो हमने जिस तरह से पिछले लेक्चर जैसे हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको बताया था कि वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से जब आप समझेंगे तब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमारी भी ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती क्या। द प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन PVX इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मुझे पता है कि आप लोगों में से एक बहुत ही कम बच्चों ने इस प्रोसेस के बारे में सुना होगा या फिर पहले कभी इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब आपका इसका पढ़ना जरूरी है कि हमें क्या दिया हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन पी वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो पी वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, ठीक है, उसमें चेंजेस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे दिस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसमें प्रेशर पी के हमारा प्रेशर है और वी हमारा वॉल्यूम है, बट इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है जो कि हमारा एक्स। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, देखो बच्चों, हमने अभी तक बेसिकली चार तरह की प्रोसेस करी है। पहली प्रोसेस जो हमने करी है अभी तक, पहली प्रोसेस है हमारी, दैट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और अगर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हमारा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम सेकेंड प्रोसेस की बात करें, सेकेंड प्रोसेस थी हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और इसमें जो हमारा चेंज इन हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब कई लोगों को वो कंफ्यूजन हुई होगी कल जब मैंने आपको बताया कि सर ये एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में फर्क क्या है, कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बस एक्स आता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आता है, बाकी सब चीजें सेम है। ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ये हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही एक स्पेशल केस है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी बस थोड़े टाइम में बताता हूँ। जो थर्ड हमने प्रोसेस करी थी, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, या मैं ये कहूं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या मैं ये कह सकता हूं कि वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर जो हमारी फोर्थ प्रोसेस थी, हमारी फोर्थ प्रोसेस कौन सी थी, दैट विल बी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जैसे हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, या हमारा मैं कहूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से इन सभी प्रोसेस का क्या करेंगे, मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा किस तरह से हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ड्राइव कर सकते हैं बाकी सब चीजों को, और उनमें क्या क्या फर्क होता है। जो हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो जनरल केस होता है, ठीक है। देखो हमने पढ़ा फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर फर्स्ट केस लेता हूं, केस वन, अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट जीरो, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दैट इज पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रोसेस बन गई, दिस विल बी आइसोबारिक प्रोसेस।
ठीक है, अगर मैं केस टू लूं जिसमें मैं क्या करूं कि एक्स की वैल्यू वन ले लूं, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ एक्स वन देन व्हाट हैपन, पी वी की पावर वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। जो ये पी, दिस इंप्लाइज पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये किस चीज की इक्वेशन होती है? अभी हमने डिस्कस किया पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज विच प्रोसेस, इज आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस मीन्स ये जो हमारी प्रोसेस निकल कर आ रही है, ये हमारी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस, इट विल बी अवर आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर हम केस थ्री लें, केस थ्री में क्या लूं, मैं ले लेता हूं कि एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूं गामा, लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू गामा, दिस इंप्लाइज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से हमारे किसकी चीज की इक्वेशन है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा एडियाबेटिक इक्वेशन है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस इज द वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे सिर्फ एक प्रोसेस है कि वो भी बताता हूं, देखो पीवी की पावर एक्स हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि p की पावर 1 बाय एक्स इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं केस 4 में क्या करता हूं, मैं जो नेक्स्ट केस है वो उसमें मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं x को इनफाइनाइट पुट कर देता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0, दिस इंप्लाइज p की पावर 0 इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कौन से प्रोसेस में होता है, दिस इज ओनली इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है और किस तरह से हमारा एक जनरल केस की तरह हमारा काम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क डन, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है, हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल पिस्टन है, और इनिशियली ये हमारा पिस्टन मान लेते हैं हम इसको, और इनिशियली मान लेते हैं कि हमारा जो पिस्टन का जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है, और उसके पास क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स है। और हम मान लेते हैं कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ये पॉलीट्रॉपिकली एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करने के बाद पिस्टन हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, और फाइनल जो स्टेट है हमारे वो कितनी बन रही है, दैट इज पी टू वी टू टी टू, और मान लेते हैं एन तो हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज इसके अंदर हम ना तो कोई गैस ऐड कर रहे हैं ना ही बाहर ले जा रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखो हमारी जो गैस है यहाँ पर, ये हमारी क्या अंदर क्या हमारी गैस है, वो बाद में क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। इनिशियल हमारा क्या है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और फाइनली जब हमारी गैस एक्सपेंड हो चुकी है पॉलीट्रॉपिकली, तो उसमें के अंदर क्या आ रहा है, P2 है, V2 है, टेम्परेचर T2 है, और नंबर ऑफ मोल्स N है। अगर आपने मेरा एडियाबेटिक वाला वर्क डन वाले लेक्चर देखा होगा, अगर ये आपको याद होगा कि हमने एडियाबेटिक जब हम वर्क डन निकाल रहे थे, एडियाबेटिक वर्क, तो हमने उसी की तरह जो अगर आपको उसकी डेरिवेशन आती होगी तो आपको इसकी डेरिवेशन आप आराम से करोगे, बिकॉज वहां पे हमारा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारा क्या है कांस्टेंट, पीवी की पावर एक्स हमारा क्या है कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर हम वर्क डन निकालें तो हमारा कितना हो रहा है, पी इंटू डीवी, तो देखो मीन्स डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट पी डीवी। अब यहां से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटू वी की पावर एक्स, तो हमारा क्या आ जाता है, ये मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट अपॉन वी की पावर एक्स इंटू डीवी। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इनिशियल टू फाइनल स्टेट के हमारा बाहर आ जाएगा, और जब हम इसका डीवी अपॉन वी की पावर एक्स आ जाएगा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा कितना आया था वर्क डन, एल विल बी के फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट डीवी अपॉन वी की पावर एक्स,
इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, k बार आएगा, v की पावर x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वन, कहां से v1 से v2 तक, बिकॉज इनिशियली हमारा v1 है और वॉल्यूम, और फाइनल हमारा वॉल्यूम कितना है v2 है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, दैट इज k v की पावर माइनस एक्स v1, सॉरी v2 आएगा यहाँ पे, v2 की पावर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ वी वन की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं माइनस एक्स प्लस वन यहां से बाहर ले जाता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा वर्क डन, और के को मैं अंदर ले जाता हूं, ये जो वो है ना हमारी डेरिवेशन, ये बिल्कुल सेम है एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह, बस यहां पे हमें गामा की जगह क्या लेना है, एक्स लेना है। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ पे भी k आ जाएगा। अब देखो k क्या है हमारा, k क्या होगा हमारा, यहाँ पे p1 v1 की पावर x ले सकता हूँ, या फिर इसको इक्वल रख सकता हूँ p2 v2 की पावर x। अब इसकी जगह तो हम p2 v2 की पावर x रखेंगे, और जब हम इसकी जगह p1 v1 की पावर x रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट विल बी वन अपॉन वन माइनस x। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे p1 यहाँ पे हमारा P2 और v की पावर x इंटू v की पावर माइनस x हमारा वन हो जाएगा, और बीच में हमारा क्या बचेगा, प्लस आएगा v2 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा v2 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, सिमिलरली हमारा क्या बचेगा p1 v1। ठीक है, तो ये हमारा होता है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब एक छोटी सी डेरिवेशन और रह गई, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें हमारा कौन सी डेरिवेशन हम करने वाले हैं, ये जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज आप इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये जो हमारी डेरिवेशन है, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट की डेरिवेशन होती है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी की डेरिवेशन। ठीक है, इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन में हम ड्राइव करेंगे स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट सीएम फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस आएगा, हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है उसमें हमारा यहाँ पे चेंजेस आएंगे। जब मैंने आपको हीट कैपेसिटी का लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज उसको जाके रेफर कीजिए, अगर वो आपने नहीं देखा फिर आप उसको पहले देख के आइए, फिर आप इस वीडियो पे दोबारा आइएगा। ठीक है, हमें पता है कि मोलर हीट एंट्रोपी क्या होती है हमारी, दैट इज डी क्यू अपॉन एन डी टी, राइट। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स होता है, डी क्यू मीन्स चेंज इन हीट एनर्जी, और डी टी हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और वैसे स्पेसिफिक हीट हमारी होती क्या है, स्पेसिफिक हीट हमारी होती क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी फॉर वन मोल ले सकते हैं हम उस सब्सटेंस का मास। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, और हमने बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, क्योंकि ये जो हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है वो एक आइडियल गैस को भी वो करती है, एक आइडियल गैस होती है तो वो इस इक्वेशन को भी फॉलो हमारी करेगी, राइट। और हमें पता है कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू dU प्लस pdV होता है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि dQ इज इक्वल टू n cV dT प्लस pdV। ठीक है, अब अगर हम मान ले फॉर वन मोल ऑफ गैस हमारा dQ कितना हो जाएगा, फॉर dQ विल बी फॉर वन मोल ऑफ गैस सी वी डी टी प्लस पी डी वी हो जाएगा, तो डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा, दैट विल बी सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। एन की जगह हमने वन रख दिया बिकॉज हमने वन मोल ऑफ गैस लिए, और फिर मैं अलग अलग कर लेते हैं इसको, सी वी डी टी अपॉन डी टी प्लस पी
डीवी अपॉन डीटी, ठीक है। तो डीटी से डीटी कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, सीवी प्लस पी डीवी अपॉन डीटी हमारा यहां से निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सीएम हमारा कितना आ जाएगा, सीवी प्लस पी डीवी अपॉन डीटी, इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, हम इसे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखो हमें अभी क्या निकला, तो हमारा मोलर हीट एंट्रोपी आया था यानी सीवी प्लस पी डीवी बाय डीटी आया था, ठीक है। अब देखो सीवी को मैं ऐसे रहने देता हूं, लेकिन मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, डीवी बाय डीटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि पी वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और ये इक्वेशन, ये जो प्रोसेस है वो एक आइडियल गैस शो कर रही है, हमने एक आइडियल गैस ली हुई है, क्योंकि हमें अभी तक रियल गैस के बारे में हमें नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम आइडियल गैस का केस लेकर चलेंगे। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, और पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एन आर टी अपॉन वी, एन आर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट होता है, तो पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी अपॉन वी लिख सकता हूँ, और जो हमारा एन आर बच जाएगा वो कॉन्स्टेंट वाली साइड जाके खुद ही नया कॉन्स्टेंट बना लेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, टी अपॉन वी, वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मीन्स टी इंटू वी की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को, मीन्स इक्वेशन वन को डेरिवेटिव करता हूँ, मीन्स का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज विल बी, देखो v की पावर x माइनस वन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज x माइनस वन v की पावर x माइनस टू dv अपॉन dt, प्लस जब हम टेम्परेचर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वो हमारा वन आ जाएगा, हमारा ये बचेगा, और जब हम कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा वो जीरो आएगा। तो यहाँ से हम dv बाय dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे dv बाय dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v की पावर माइनस v की पावर x माइनस वन अपॉन t की पावर x माइनस वन इंटू v की पावर x माइनस टू हमारा निकल कर आ जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, v की पावर x माइनस टू को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा कितना आता है, दैट विल बी माइनस ऑफ v, कितना आएगा यहाँ पे, हमारा v बचेगा राइट, यहाँ पे x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू अपॉन, ठीक है। अब मैं नीचे से माइनस कॉमन लूंगा और माइनस माइनस ये कट हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज dv अपॉन dt विल बी, ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा ऊपर, v बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, t अपॉन वन माइनस x, तो ये हमारा बचेगा क्या, dv बाय dt, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे dv बाय dt की वैल्यू को, हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, पुट दिस dv बाय dt इन दिस इक्वेशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो cm is will be equal to cv plus p dv by dt, ये हमारा आया था। अब dv by dt की हमने क्या वैल्यू निकाली, अभी हमारी वैल्यू आई है v upon t into 1 minus x, x क्या था हमारा, यहाँ पे x हमारा था पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि cm will be equal to cv plus p, और v की dv by dt की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा v upon t 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया, कोई यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी जीमेल आईडी देता हूं, अगर किसी की बेबी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, या कोई बाहर का मेटेरियल करता है कोई, उस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आती हो, तो प्लीज मुझे मेरी जीमेल आईडी भी भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी जो भी आने वाली वीडियोस होंगी तो मैं उसमें उसका सॉल्यूशन जरूर लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहां देखते हैं, यहां फोकस करो, हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा, cv plus pv upon t into 1 minus x, अभी अभी हमने पढ़ा था कि pv क्या होता है, that is nRT, for 1 mole of gas हमारा कितना आ जाएगा, that is pv is equals to RT, pv की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, cm will be equal to cv plus rt आ जाएगा, 1 minus x, t से t हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, cm is equal to cv plus r upon 1 minus x,
यहां तक हमारे वैल्यू आ चुकी है। बट अब बात आती है कि सीवी हमारा क्या होता है, व्हाट विल बी अवर सीवी। देखो देखो हमें पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू, चलो ये नहीं करते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, आप इस इक्वेशन को ना सीवी से डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों तरफ सीवी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज सीपी माइनस सीवी अपॉन सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। दिस इंप्लाइज सीपी माइनस सीवी माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी। अब गामा हमारा मैंने आपको बताया था एक रेशियो होता है, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है। तो मैं सीपी अपॉन सीवी की जगह क्या पुट कर दूंगा, गामा माइनस वन आर अपॉन सीवी, यहां से मेरा सीवी आ जाएगा आर अपॉन गामा माइनस वन। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे अपनी नोटबुक में इसकी डेरिवेशन या अपने फॉर्मूला लिख लीजिए, थ्री स्टार निकाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इसका भी यूज करने वाले हैं। तो सीवी हमारा यहाँ से निकल चुका है, तो हमारी अभी तक मोलर हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ये जो होता है ये हमारा मोल मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमारा आ जाता है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे भी आप स्टार लगा के रख लीजिएगा। अभी तक मैंने आप जितना आपको समझा दिया, मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंस लेकर चलेंगे कि हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। देखो हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो पीवी रेस्ट पर एक्स की वेरिएशन पर काम करता है। और हमारा एक्स क्या होता है, एक्स हमारा होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। जैसे हमारा पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो हम गामा को क्या क्या लिखते थे, गामा को हम कह सकते हैं कि वो एक एडियाबेटिक इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, हमने पीवी इक्वल टू एक्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू ली और हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को ड्राइव किया। जैसे पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट किया, तो हमारा क्या निकल कर आया कि वो प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट हो जा रहा है और हमारा क्या बन रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस निकल कर आ रही है। तो जब हमने एक्स की वैल्यू को वन पुट किया तो हमारा पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट बन रहा है, और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ से हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस निकल कर आ रही है। जब हम एक्स की वैल्यू को गामा पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, इज पीवी रेज़्ड टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ से निकल कर आ रही है, ठीक है। तब फिर हमने क्या किया, पीवी रेज़्ड टू द पावर एक्स को कांस्टेंट लेकर हमने क्या यही भी लिख सकते हैं कि पी की पावर वन बाय एक्स इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ 1 बाय एक्स कर दो, यहाँ पर दोनों तरफ 1 बाय एक्स की पावर कर दो, कांस्टेंट की पावर हम कुछ भी लें तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और जब हम इसकी लिखा तो पी की पावर 1 बाय एक्स हो जाएगा और वी की एक्स 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 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें जब हम एक्स की पावर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो हमारा पी की पावर जीरो इंटू वी बन जाता है कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारा वी इक्वल्स टू कांस्टेंट निकल आता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस निकल कर आ जाती है। तो फिर हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन डिस्कस किया, वो सेम है, सेम टू सेम है, बस गामा की जगह हमने क्या लिया, एक्स ले लिया, जैसे हमने वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने ड्राइव किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी और वहां से हमने सारा प्रोसेस निकाला। आप एक बार फिर से इसको अपने क्या करना, हमने किसी नोटबुक में ड्राइव करके खुद देखना, लेक्चर ओवर होने के बाद अपने इस मींस जो मैंने डेरिवेशन कराई स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी की, इसको आप ड्राइव करके खुद देखना, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। एक तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो ये दैट इज सी एम इज इक्वल टू सी वी। एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, सी एम इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, और सी वी का आपको याद रखना हमेशा आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डेरिवेशन कर रहे हो यार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये तीन फॉर्मूले तो याद होने चाहिए टिप्स पर, ठीक है। ओके यहां तक सबको समझ में आ गया, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ मेरी जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज वहां पे मुझे मेल कर देना, एंड मैं आपकी जो भी डाउट होगा मैं वहां पे ले लूंगा।
देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में और एडियाबेटिक प्रोसेस में, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट मींस चेंज इन हीट एनर्जी जीरो होता है, मींस हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, मींस हीट बाहर भी जा सकती है, अंदर भी जा सकती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में एक न्यूमेरिकल था, मैंने वो बताया था कि वो हम आज करेंगे। वो देखो वो क्या था कि उसमें जो हमारा वॉल्यूम था वो ए इंटू टी की पावर -1 के प्रोपोर्शनल था, राइट। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, टी को वहां ले जाऊं, ए कॉन्स्टेंट है, मीन्स ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट। तो हमने इसी तरह का एक हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी एक्स इज टू कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, और इनको मैं टी और वी की इक्वेशन में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट। मैंने अभी जब मैंने आपको ट्रांस और डेरिवेशन करवाई थी वर्क डन की, नहीं मोलर हीट कैपेसिटी की, तो मैंने आपको बताया था कि टी इंटू वी की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, 2 -1 इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और हमारा जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, राइट। ये इंडेक्स की वैल्यू निकालनी आ गई तो आप मोलर हीट कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हो, आर की पावर -1 प्लस आर की पावर 1 -x, आर इनटू आर डिवाइड बाय 1 -x। एक्स की वैल्यू हमारी 2 है और गामा में मोनोटोमिक गैस दी हुई थी, वहां से हम सीएम निकाल सकते हैं। या यहाँ से हमारा सीएम आ जाएगा तो हमारे चेंज इन हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज हमें नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे थे, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन सीएम इंटू डीटी। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू हमारा आ जाएगा जो भी हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, वो यहाँ से हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली आर गामा की पावर -2 इंटू गामा की पावर -1, सॉरी गामा -2 अपॉन गामा -1 इंटू आर डेल्टा टी। ये हमारा कल का क्वेश्चन का आंसर होगा, आप उस क्वेश्चन को प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, और यही हमारा बेसिकली मेन डिफरेंस होता है कि हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू हमारा जीरो होता है और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक और डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम स्लोप बनाते हैं, मीन्स कर्व बनाते हैं, एडियाबेटिक कर्व, पीवी ग्राफ बनाते हैं फॉर एडियाबेटिक कर्व, हमारा किस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है हमारा फॉर एडियाबेटिक, और अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखे मैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम स्लोप्स निकालें, इसको मैं क्या करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो मेरा कितना आएगा, दैट इज डीपी अपॉन डीवी, वी की पावर एक्स प्लस पी इंटू एक्स, वी की पावर -1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरा डीपी अपॉन डीवी हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू पी अपॉन वी। ठीक है, हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हमारे पीवी कर्व का स्लोप कितना होता है, हमारा ये होगा -x इंटू पी अपॉन वी, इसको भी आप रिमेम्बर कीजिएगा। और अगर हम इसी सिमिलरली इसको पी की से, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट करें और डीपी वाई डीवी की जब हम वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, तो हमारी वो आएगी -γ(p/v). इसके अंदर जो स्लोप होता है वो -γ होता है पी अपॉन वी का एडियाबेटिक के अंदर, और फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारा जो स्लोप होता है वो -x(p/v) होता है, वेयर x इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती क्या है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और तब तक के लिए सी यू सून, देखते रहिए, नमस्ते फिजिक्स, सो बाय बाय।